कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से प्रश्न देखेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर में भी 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि बेनिफिट यह है कि आपका डेली क्लास में करा रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास, जो कि एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चलिएगा। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पर, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 वीडियो में जो लेकर आया था, आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और काफ़ी अच्छे वॉचिंग आया है। इसी नाम से मैं आपका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन लेबर इंस्पेक्टर, यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें कंप्यूटर से 15 से 20 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हॉस्टल वार्डन में सबसे बेनिफिट यह है कि उसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, और लेबर इंस्पेक्टर का उसमें 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने वाला हूँ कि हॉस्टल वार्डन ने जो 500 पद आया था उसको विलंबित कर दिया गया है, और कुछ 2 से 3 महीने के बाद में इसका एग्ज़ाम होगा, और ये जो 500 पद है उसकी भर्ती उसको बढ़कर 800 के आसपास आने वाली है, यानी कि पदों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट के रूप में चलेगा आज का जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला है आपका कि डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। मतलब पूछा गया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर उपयोग करना आसान बनाता है क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या नेटवर्क। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बिल्कुल टेस्ट क्लास चल रहा है ना, कमेंट करते जाइएगा फटाफट। जैसे पार्ट 1 वीडियो में आपने कमेंट किया था, लाइक किया था, उसी प्रकार यहां पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, आप सभी का मेरा इंतज़ार है, कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर आप लोग बताते जाइएगा, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर कैसे देना है पता है आप लोग को? देखिए, जैसे पहला का सी है तो आंसर सी ऐसा देना, तो ए का सी इस प्रकार ऐसा दे सकते हो ना। जैसे अब पहला का आंसर ए है तो ए देना, पहला का आंसर बी है तो इस प्रकार लिखना ना, डायरेक्ट बी और सी नहीं लिखना है ना। चलिए, बिल्कुल सही है। यूटिलिटी, प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रोग्राम में त्रुटि, हाँ मैं बिल्कुल करा रहा हूँ क्लासेस रिकॉर्डेड में, सुबह 9 बजे की क्लास रहती है कंप्यूटर का। ठीक है, सुबह 9 बजे की क्लास रहती है कंप्यूटर का, बल्कि छत्तीसगढ़ और भारत का जो क्लास लग रही है आपका 7:30 से 9:30 के बीच में रात को ना, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है। बिल्कुल, आप सभी ने वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसीलिए मैं वीडियो ला रहा हूँ ना। चलिए, और जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है विगत वर्षों का। प्रोग्राम में त्रुटि यानी कि एरर जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको व्यापम 2019 में पूछा गया है ना। तो इसको बग कहते हैं, क्या कहते हैं, बग। तो दूसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो लाना चाहेंगे। चलिए, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या होता है, कंप्यूटर का जो प्रत्येक कंपोनेंट होता है आपका हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर सीपीयू रैम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चाहे आंसर गलत क्यों ना हो। आंसर आपका गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी होगा। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे, प्रश्न नहीं पढ़ोगे, तो आपको रिवाइज कैसे होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है,
कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कितने लोगों का आंसर ए आया है? बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? कमेंट करें, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को वेबसाइट में बदलना है, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में, या इनमें से कोई नहीं? सभी का आंसर आना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? डाटा को सूचना में बदलना होता है ना। चलिए, कितने लोगों का आंसर आया है सूचना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, 4 का B होगा। ठीक है, कितने लोगों का आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी कमेंट करना स्टार्ट करें ना, वरना मैं बिल्कुल क्लास बंद कर दूंगा। जितने लोग कमेंट नहीं आएगा मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, फिर मैं बता रहा हूँ, है ना। क्या है, देखिए मैं इतना मेहनत से आप सभी को क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी का। अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को, तैयारी करवा रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है, फिर कमेंट बॉक्स में क्या जा रहा है, पैसा लग रहा है क्या? जिसका भी मन नहीं है वीडियो को स्किप कर सकते हो ना। जिसके तैयारी करने का मन नहीं है वीडियो को स्किप कर दो, मैं पहले बता रहा हूँ। और जिसको तैयारी करना है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, वरना मैं आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर नहीं आऊँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? काहे, अरे जब आप लोग कमेंट करोगे तो आपको रिवाइज होगा ना। जैसे कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डाटा में बदलना। अगर आप PDF चाहिए बोल रहे हो, PDF मैं आपको दे दूंगा, तब पढ़ाई नहीं करोगे। जैसे आपके पास भूख रहता है, ठीक है, अब भूख है आपके पास, लेकिन अरे मैं कल पढ़ लूँगा, आज पढ़ लूँगा, ये करते रहते हो, ये मुझे पसंद नहीं है ना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को सूचना में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? सूचना में। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जो लोग तैयारी करना ही चाहते हैं वही वीडियो देखे करें मेरा, और सब्सक्राइब करके रख लो ना, नोटिफिकेशन ऑल ओवर है। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ मैं, आप बाकी को नहीं भेजूँगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका BPSC कलर एग्जाम पूछा गया था 2011 में, और वो भी 19 में भी पूछा गया है। सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियां ढूंढने की कौन सी प्रक्रिया होती है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग, या इनमें से कोई नहीं? 30 सेकंड का फिर मैं समय दे रहा हूं आप सभी को, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या आएगा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो त्रुटियों को ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर डी होगा, डिबगिंग। ठीक है, कौन सा होगा? डिबगिंग। चलिए इसका बताइएगा फटाफट। सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ व्यापम और PSC में पूछा गया है, और हॉस्टल वाडाना के 2014 और 16 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है। आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्लास चल रही है, जिसमें देखिए क्या बोल रहा है, देखिए दोनों ही आएगा ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आएगा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जा सकता है। और जिसे हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते उसको क्या कहा जा सकता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ में आया? कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। बेकूफ भी मैं बताया हूँ आपको, आंसर ही होगा इसमें का। जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ प्रोग्रामिंग चक्र प्रोग्राम का विस्तृत क्या कहलाता है? लिखित विवरण क्या कहलाता है? क्या आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखित विवरण क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंशन, आउटपुट, रिपोर्टिंग, स्पेक्सेट, या डायरेक्टली?
कमेंट करके बताओ। 30 सेकंड आपको फिर से समय दिया गया है। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जिनको तैयारी नहीं करना है वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दो, मत देखो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तैयारी करेगा उसी को मैं तैयारी करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा ना, नाटक मत कर। यहाँ पर डेली क्लास चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी टाइम पूछता है बेवकूफ। ब्लॉकेड दिस, लॉक करूँगा तेरे को। आप क्या है तेरा नाम रे साहू, क्या साहू लिखता है तू? आंसर ये होगा ना, सही है। चलिए इसका बताइएगा। कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू परिधियों में यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस या बफर मेमोरी? फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ए बी सी या डी, कौन सा आएगा? जल्दी से कमेंट करो। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? अभी सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास चल रही है, फिर दोपहर 1 बजे आपका फिर क्लास चलेगी, फिर उसके बाद रात 7:30 से 9:30 क्लास चलेगी। 3-3 क्लास लेता हूँ मैं, ठीक है? 3 क्लास एक दिन में, एक दिन में मेरा 3 क्लास रहता है, ठीक है? 3 क्लास लगता है, छत्तीसगढ़ इंडियन जीके और ये आपका कंप्यूटर। मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है? उसमें हम LCM और SCF से प्रश्न देखेंगे। मैथ्स में LCM और SCF से सबसे ज़्यादा भी हॉस्टल वार्डन में क्या पूछ रहा है, समानुपात अनुपात से, उसके बाद आपका LCM SCF से, उसके बाद है आपको वर्ग डाइव क्यूब डाई से, फिर रेखा और कोण से एग्जाम में आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका लाभ हानि, लाभ हानि में क्या है, परसेंटेज वगैरह से है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य याद कर लेना, पढ़ लें। सभी क्लास कराऊंगा, है ना? मैं बता रहा हूँ जो जो पढ़ना है अभी पहले तैयारी कर लो, डेली क्लास चलेगी, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जा रहा है, नाव और चाल दूरी से पूछा जा रहा है, ठीक है? इसका आंसर क्या है, कितने लोगों का आंसर सी आया? बिल्कुल सही, इंटरफेस ना, इंटरफेस आएगा, बिल्कुल सही है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार का हरिशन के माध्यम से दिया जा रहा है, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, सॉफ्टवेयर लॉ, क्या आएगा? विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार हरिशन के माध्यम से दिया जाता है, क्या आएगा आंसर? बिल्कुल कमेंट करके बताएं। इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, है ना? क्या आएगा? सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, इसका आंसर बी होगा। कितने लोगों का आया है? 4 लोगों का। चल इसका बताएं। जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? पीसी का मतलब समझते हो ना, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश के डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें डिस्क कॉपी किए जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम अंश कंपाइल किए जाते हैं या एमुलेट किए जाते हैं, पीसी बंद हो जाता है, क्या आएगा? तो इसका आंसर ए। कितने लोगों का आया है? बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, ना कि मेमोरी में, ना डिस्क मेमोरी में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जैसे छू और महसूस किया देख सकते हैं, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना, छू सकते हैं देख सकते हैं, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? आंसर ही कितने लोगों का आया है और आंसर भी कितने लोगों का है, कमेंट करके बताओ। तो क्या पूछा था मैंने, कंप्यूटर को देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो क्या लिखा है, जिसे छू कर महसूस कर सकते हैं ये भाग कौन सी कहलाती है, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर? कितने लोगों का आंसर भी ए आया है, हार्डवेयर, बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। देखिए आप सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ना, रिस्पॉन्स चाहिए, आप सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट कमेंट करते जाइए। इसका आंसर क्या है, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए समानता इसमें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? देखिए आंसर आपका गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयारी तो होगा, कम से कम मालूम तो पड़ेगा इसका आंसर क्या है करके, हैं क्या है।
मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ ना, सीधी बात करता हूँ। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं चैनल को देखे, नहीं करना चाहते मत देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग एक बार जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक वीडियो स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँच सके, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पार्ट वन वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छी खासी लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आया है ना, इसी प्रकार इस वीडियो में भी आना चाहिए। अगर ये वीडियो में अच्छा खासा कमेंट और लाइक वगैरह आ जाता है तो पार्ट थ्री वीडियो आपके लिए बहुत जल्द मिल जाएगा, पार्ट थ्री वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। क्या है इसका आंसर, कितने लोगों का आया है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, कितने लोगों का आया है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, कितने लोगों का आया है 96 लोगों का, बिल्कुल सही। अरे भाई तो कितने लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर, 237 लोग जुड़े हैं यहाँ पर हैं, और ये 96 आंसर कैसे आ रहा है, बाकी लोग कहाँ गए हो गए, 50% बस आ रहा है समझो। मूल स्रोत से किसी भिन्न डिक्शनरी पर कॉपी कर डाटा को संरक्षित करना क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है। अरे मूल स्रोत है ना, मूल स्रोत से किसी विभिन्न डिक्शनरी को कॉपी कर टेक्स्ट करना क्या कहलाता है, बैकअप, बैकअप ठीक है, बैकअप कहलाता है, ठीक है सी होगा। एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में कौन सा पैकेज डाटा के अधिक रूप में पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। डोबेस 3, कोरल, वर्ड स्टार, ऑटोकैड या एमएस कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, 30 सेकंड का समय है। एमएस डॉस में आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर ऐसा कौन सा पैकेज डाटा के रूप में अधिक है, बिल्कुल आंसर सही दिया है ए, डाटा क्या है डोबेस 3, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर ए आया है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। DOS का पूरा नाम क्या है, DOS का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर, DOS का पूरा नाम क्या है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें है बी में। और कितने लोगों का आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर कर इसका आंसर क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य किसकी ज़रूरत होती है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको मुख्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कितने लोगों का आंसर डी आया है। विषम शब्द चुनना है, चलिए विषम बताइए कि अलग कौन सा है, चलिए इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता दिया एक्सेस। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन या फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद बाल मनोविज्ञान से क्लास चलने वाली है ना, क्या दिया है आंसर, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन या फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद बाल मनोविज्ञान की क्लास चलने वाली है, क्योंकि पार्ट 4 वीडियो तक वहां अपलोड किया जा चुका है, जिसमें काफ़ी बच्चे पसंद किए हैं, तो पार्ट 5 वीडियो लाने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा जल्द लाएंगे। इसके लिए क्लास रहेगी 7:30 को, परफॉर्मेंस अच्छा मिला है मुझे इसमें, बाल मनोविज्ञान में परफॉर्मेंस बाकी का वीडियो से अच्छा मिला है, ठीक है। कितने लोगों का आंसर ए आया है, बिल्कुल सही है। जो सॉफ्टवेयर होता है आपका एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है। यूनिक्स का विकास कब हुआ, यूनिक्स का विकास कब हुआ, जल्दी से बताइए, यूनिक्स
यूनेस्को का विकास कब हुआ है? ये यूनेस्को ना UNIX यूनेस्को का विकास कब हुआ है? 1950, 1955, 1960 या 1969। इसमें आंसर सी और डी ले को ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये दोनों गलत है, दोनों नहीं आएगा। सी और डी में से एक आंसर होगा। क्या है आप लोग कमेंट करके बताओ। 30 सेकंड के समय है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यूनेस्को का विकास कब हुआ है? तो यूनेस्को का विकास 1969 में हुआ है, ऑप्शन डी। यूनेस्को की मुख्य भाषा क्या है? यूनेस्को की मुख्य भाषा क्या है? यूनेस्को की मुख्य कोबोल कैसा होगा बे? कोबोल कहाँ से आएगा? ये कैसे आएगा? कोबोल कहाँ से होगा है? यूनेस्को पूछा है, यूनेस्को तो आपका असेंबली होना चाहिए, असेंबली होना चाहिए। क्या होगा? असेंबली। चलिए देखते हैं आंसर क्या ले रहा है। यूनेस्को की मुख्य भाषा क्या है? कितने लोगों का आंसर कोबोल आ रहा है और यूनेस्को आ रहा है? ये नहीं होगा ना, ये दोनों गलत है, ए या फिर सी में से आंसर होगा। कितने लोगों का? मेरे हिसाब से मैं सी लिया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आएगा, ए। चलिए देखते हैं ये कितने लोगों का आता है, 45%। ये बाकी का है 55%। मेरे हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं मेरे में? 55%। चलिए देखते हैं आंसर से लिया। देखिए मैंने आपको बोला था ना असेंबली होगा करके। किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शन का क्या आएगा? एक बार में ही ओपनिंग प्रोसेस करने को कहते हैं। डाटाबेस, बैच प्रोसेसिंग, रियल अप टाइम, ऑनलाइन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर करें। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। न्यू बैच प्रारंभ किया गया है 20 मई से। हॉस्टल वार्डन लेबर इंस्पेक्टर की क्लास 20 मई से प्रारंभ किया गया है। हाँ, जो बच्चे एक बार नए हैं जल्दी इस वीडियो को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, परफॉर्मेंस अच्छा दीजिएगा। अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा रहता है मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। देखो भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ, ऊर्जा बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है मेरा। क्या है, 3-3 क्लास लेना पड़ता है मुझे ना, एक दिन में 3-3 क्लास लेना पड़ता है। चलिए मैं पानी पी कर आ रहा हूँ ना, आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा। किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों को एक ही बार में ओपनिंग रियल टाइम सिस्टम में बता के आंसर जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। कितने लोगों का आया है? मेरे हिसाब से मैं सी लिया हूँ आंसर। और कितने लोगों का आंसर आ रहा है? कितने लोग लिए हैं आंसर? ए बी सी डी कितने लोगों का? देखिए इसमें 20% आया है, इसमें 40% आया है, इसमें तो पूरा 80% दिया है, इसका 0%। रियल टाइम ना, रियल टाइम ही होगा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पार्ट 3 वीडियो लाना है कि नहीं लाना है ना, वो लाना है कि नहीं लाना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो हम लाएंगे, नहीं पसंद आता तो नहीं लाएंगे। देखिए कैसे पता चलेगा मुझे मालूम, क्योंकि वीडियो में लाइक आता है अच्छा खासा, तो मैं समझ जाऊंगा कि पार्ट 3 वीडियो लाना है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा पार्ट 3 लाना है कि नहीं लाना है, आप तैयारी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलिए इतना ही आज।